Johar, nearly 11 minutes 24 Santar Takeover in Gopal Kisku. Wahabo Dinamge Corona Khatir Jaha Mitik Ardas Amnes 24 Amina Ona Ardas Ma Pale Sanam Hurgo Manapata Vidya Sate Abo Jharkhand Jahatina Ke Marang Marang Neta Menakwa Che Marang Hur Menakwa Unko Jete Ke Apatin Ko Ardas Ya Je Jharkhand Jahatina Ke Hur Bota Hena Naite Napaite Bota Hena Mente Corona Bancha Lagi जहाँ के गाइडलाइन में ना उन्हें वो मना बतामा साथे उन्हारे जहाँ डेली रूटीन में ना उन्हें हो वो निजेरा जीवन रे वो अभिमा चिकते नवालों को मेना सुरक्षा है बचाव है उन्हें अर्ज जुदी आपो आपो ते के आपो आ ख्याल बाबो तो होया इनखान कोरोना आजार दो बाबो सहारे या दिला इनखान तेजा मुलुक खबर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रे एसएसपी नेलेना कुरुमुटु खाली ते दाड़ान हर कोई एमान को मारनी कोविड 19 रे गाइडलाइन बांग मनावता खातिर एस्पा ब्यूटी पार्लर को सील किया आर माहे रमजान रे नेलेना मिले लॉकडाउन रे अबतर दोसार जुमा रे मस्जिद रे बांग को सेटल लेना हो ओना देते बया को आबो को सामान रे तेहे नोवा अरदास लेके सेटल करना बाबूलाल मरांडी जहां अबो यहो मुख्यमंत्री तहे लेना है आर नीतो विपक्ष नेता करना है उनिया कोरोना खातिर चेत दिशा हुदी चेत चेत अरदास अबठने एमया वना वो आज चले आज बड़े ही व्यथित मन से आप सब लोगों से अपने अनुभव को हम साझा करना चाहते हैं कि झारखंड की कोरोना के कारण झारखंड की जो स्थिति है वो बड़ा भयावह है। जो जानकारी मिल रही है आसमान में भी लाइन लगी हुई है, वहाँ भी जगह नहीं है और अस्पतालों में भी जगह नहीं है। प्रत्येक दिन रात राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो सूचनाएं आ रही है या अस्पताल में जगह दिला देना, वेंटिलेटर दिला देना, ऑक्सीजन दिला देना और लगातार राज्य के अफसरों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम कठिनाई को समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं राज्य की आप सब तमाम लोगों से मेरा विनती है, अनुरोध है कि हम अपने आप को घर में सुरक्षित रहें, बिना काम से बाहर नहीं निकलें। अगर बाहर निकलना ही जरूरी पड़े किसी काम से तो हम मास्क जरूर लगाएं, दो गज की दूरी बनाए रखें, और फिर अपने भोजन पर भी ध्यान दें। फिर जैसे काढ़ा पीना हो ऐसा भी सेवन करें, सवेरे कुछ योगा करें ताकि आपकी इम्यून सिस्टम ठीक हो सके, ताकि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आवे। और फिर आसपास या आपके जानकार सगे संबंधी भी कहीं भी कोई जानकारी मिलती है कि कोरोना से लोग पीड़ित है तो उनको भी आप जितना हो सके उनको भी आप सहयोग करें इस विपत्ति की घड़ी में, क्योंकि वास्तव में बड़ा भयावह है इस समय। तो पिछले साल भी कोरोना आया था लेकिन पिछले साल इतना भयावह नहीं था। इस साल जिस ढंग से लोगों की मृत्यु हो रही है वो बड़ा ही भयावह स्थिति है, और इसलिए फिर से आप सब लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। जमशेदपुर ने एसएसपी डॉक्टर एम तरमीम वलर मानगोर रे स्वच्छ सुरक्षा सप्ताह खातिर जहां जे सरकार लॉकडाउन में थे ठेकना ओना रे 8 बजे तायम रोड रे ओडोकना और जहां के रोड को दाड़न करता है और अथोड़ी बिना मतलब तक दाड़ा लिया उनको
नवाय लई सदरा को जे आलोपे ओडको आर बांखान आपे चितान रे जहां के ऐन कानून लगा कोविड 19 खातिर ओनाले लगाओ हम लोगों का जो स्वच्छता सुरक्षा अभियान 7 हफ्ता का जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है इसमें लोग जो बाहर निकले हुए हैं अभी तो बहुत जो टाटा फैक्ट्री का है सिर्फ गर्म होता है आदित्यपुर से बहुत सारा दुकान बंद होता है उसी का लोग आना जाना करते हैं तो इसमें जो जो बिना काम का घूम रहे हैं उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको शिकायत कर रहे हैं और उनके जो मास्क नहीं पहने तो फाइन करा रहे हैं जबकि अगर जो मास्क कर देखा जाता है लोग मेडिकल एमरजेंसी के लिए बाहर निकलते हैं और कुछ खाना पीने के लिए लेबर के आने के लिए निकलते हैं इसके अलावा मेनली हम लोग को फैक्ट्री वाला ही मिल रहे हैं जो फैक्ट्री या सिर्फ गर्म भर के जा रहे हैं या नहीं तो सिर्फ जा रहे हैं उसी तरह मास्क नहीं पहने हैं हेलमेट नहीं पहने तो उनके लिए मास्क नहीं पहना है तो उनको हम लोग 500 रुपये पहने नहीं 8 बजे के बाद अब एसेंशियल चीज़ें के लिए आदमी बाहर आ सकती है जैसे मेडिकल एमरजेंसी हो गया कोई ड्यूटी करके जा रहे हैं वो चीज़ लेकिन लखवा टाइप का जो घूमने वाले हैं उन लोग को मतलब अच्छा नहीं है ये फाइन होगी जो मास्क नहीं पहनने पर या नहीं तो फिर उनके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे जो बाहर अनावश्यक रूप में घूम के लोगों को परेशानी में डालेंगे आर नते सरायकेला रे आदित्यपुर और गम्हरिया रे कोरोना बखरा जहां चेन में ना ओना चेन रफूट खातिर ओडेरे जिला प्रशासन अड़ी केटे रूप में दिखा किया और जहां तीन के ओडेरे बोर्ड और जिला प्रशासन रे अधिकारी को तहलना जेते सड़क रे आगो कते होड़ रे होड़ को नवा को लिया को जे कोविड 19 पे जहां मिनी लॉकडाउन रे जहां नियम कानून में ना ओना दो मना बता मामेंते सरकारी कर रहा फाटक में हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया है हम लोग को दुकानदारी हो नहीं रहा है हाँ आधा आदमी कुछ दिल्ली बाजार में लगाया हुआ है इसका लिए कुछ कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है हम लोग को जबरदस्ती सालों वगैरह भेज के हम लोग को दुकानदारी हो नहीं रहा इसका लिए आप लोग कुछ उपाय लगाए नहीं तो फिर हम लोग भी बाजार में ढूंढ जाएंगे तो मतलब पूरा साथ देना चाहिए सरकार को अपना मतलब घर में रहना चाहिए जो जैसे इमरजेंसी काम हो तभी घर से निकलना चाहिए जैसे दवा ववा लेना किसी का तबीयत खराब साग सब्जी लेना बिना काम से ऐसे घूमना नहीं चाहिए आर नोते सरायकेला जिला रे राजनगर थाना रे छटका रे तेहन मिट्टी भीर बना छटका भीतर हेजना आर जहां लेका उनी बना को जेल के दिया ओडे थाना भीतर रे होड़ ढेर के को बतोरे ना आपे नवाबड़ा जों पे जे उनी बना तो मणा होड़ ते हिजु सेनो होड़ मिट्टी उनी घल के दिया इनता जहां के थाना रे एटे झंटी चे बाउंड्री तहलना ओना चेतान खन पारम कते थाना भीतर बोलोयना ओडेगे इद 8 बजे धरी उनी बाना के रेस्क्यू कते को ओडक के दिया और जहाँ तीन के कोष्टते फोटका को ठो बड़ा कते उनी दो ओडे खन को बारे के दिया और वीर से को लगा कते भालू को हम लोग अपना आग जला के पीछे से पटाखा फोड़ करके स्वागत ठीक करके आगे का रास्ता दिए उतना भाग गया वो महाराजगंज में चला गया जंगल पीछे है ना अच्छा नहीं खतरा की बात तो नहीं है तो अपने डरा हुआ बहुत था दिन भर जो घिरा हुआ आदमी से है अपना डरा हुआ है तो जहाँ जगह मिला उस पर भागेगा अपने जहाँ पर उसका प्रवास है नोते क्वाली थाना रे बिना होल्दे पोखर रे मुसल टोला रे तेह पोटकारी सीओ इम्तियाज अहमद जहां लगा के आजा सरकारी गड़िया ते ओना टोला बोलोए ना ओडेरिन होड़ ओना गड़ी को दरुड़ किया और कज को रफूट किया जहां लेका क्वाली थाना नारे खबर जाम किया अमित कुमार दास आज पूरे टीम साथे हुल्दी पुखरे सेटेर ना और ओना खोज तलाश रे छुटे गए प्रतिदिन की भांति मैं 7:30-8 में निकलता हूं और 8 बजे से दुकानें बंद करवानी होती है उसी को लेकर आज भी मैं निकल रहा था जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा एक व्यक्ति बैठे हुए थे और एक लड़का जो है अचानक गाड़ी पर पत्थर चला दिया टूटने लगी है गाड़ी का शीशा टूटा है वजह तो हमको नहीं पता कि क्या कहे कि किसी से कोई अभी तो हम यहाँ आए हैं आकर सेटल ही हुए हैं तो किसी से कोई बैर है नहीं अच्छा और ना अभी तक किसी पर मैंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है वजह क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ नोते मिनी लॉकडाउन कथा बांग मनावता दीते साक्षी रे मिना हावड़ा ब्रिज सुर रे मिट्टी इस्पा जहाँ जे ब्यूटी पार्लर को लिया उन्हें लॉकडाउन रे कथा बांग आंजम मनावता दीते उन्हें को सील करा और दौड़ा खबर और जो धरी उन्हें को सील के ना जो है ये ब्यूटी पार्लर है ये खुला हुआ है ठीक है हम लोग को सूचना मिलते साथ ही हम पुलिस बल के साथ आए हम लोग यहाँ पर तो देखे सही में खुला हुआ था तो हम इसको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए
अब इस वार्निंग के साथ कि अगर इस बीच में अगले आदेश तक अगर नहीं मिलने तक अगर सुनता है तो हम लोग इसके ऊपर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ये हावड़ा ब्रिज के बगल में है, क्या मतलब लेडीज का नाम है रितु, रितु सिंह। ये काम चल रहा है? हाँ, ये काम चल रहा है। तो केस की सभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल हम लोग केस नहीं कर रहे, हम लोग एक वार्निंग देके छोड़ दे रहे हैं। अगले आदेश तक बंद किया जाएगा? हाँ, अगले आदेश तक बंद किया जाएगा। पश्चिम सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल तेहन सदर अस्पताल हेजना और ओने जहाँ के खाली मिला उनका जगह नेल बड़ा करते नोए ठगो किया जे नोडे दो जहाँ तीन के कोरोना आजार पेशेंट को हिजुआ उनको ऑक्सीजन साथे उनको आ चेकअप हुआ और बेस लिखा नेल रहा जहाँ के व्यवस्था हुई अपना को कमियाँ मिलते कोविड वार्ड का एक्सपेंशन कर सकें तो उसी के लिए इंडिविजुअल किया गया है। सदर अस्पताल हम लोग आए हैं ताकि सेकेंड फ्लोर पर हम लोगों ने देखा है जो और जो खाली पड़े वहाँ पर हम किस तरीके से पाइपलाइन का काम कर सकते जी, हम लोग कोविड एक्सपेंशन भी काम कर। इसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डीपीआई जो है वो हमारा कंप्लीटली ऑक्सीजन युक्त हो जाए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, उसके लिए हमने कसरत करना शुरू कर दिया और खुद पानी में भी हम पाइपलाइन कर सकते हैं काम। झारखंड रे जहाँ तीन के कोरोना आजार ढेर हजना दीते स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिलते जहाँ जे झारखंड सरकार नोट ठगोना खातिर गोटा के कमी बन चाबाकना और खातिर जमशेदपुर जहाँ के बस स्टैंड मेरे घोड़ा भीड़ अड़ी सख्तों ढेर अकना घोड़ा मेन जे नोड़े तहन बन बेसा जे अतुड़ा सेन करते हजू जुदी हजूँ एनखा अगे बेसा बस रिन मालिका नवा मेन जे नोड़े चला हर को तो ढेर कमी को और पढ़ा गिद्रे को मिले मिलते किराया देकर रहता है, कोई बच्चा पढ़ने आया है जो कि किराया में रहता है, रेंट में रहता है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। भाई लॉकडाउन में अगर पढ़ाई नहीं होती है तो मैं भी वहीं हूँ, जैसे मैं गाँव जा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो भाई मैं अफोर्ड कर नहीं पा रहा हूँ तो मुझे भी गाँव जानी पड़ रही है। तो लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान तो नहीं है। हाँ, हालांकि हमें भी सावधानी बरतनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन लॉकडाउन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार अब जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है रोजगार। और मान लीजिए गरीब कोई भूख से मर रहा है तो भूख से मर रहा है तो भाई जाएगा कहाँ, अपने आवास स्थान गाँव पर जाएगा। इस कंडीशन में अगर बस चल रही है तो अच्छी बात है और यहाँ हमें ध्यान देनी है कि सही से जाना है क्योंकि सेफ्टी यहाँ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं, अफवाह है, सब कोई बोलता है कि अफवाह है तो ये गलत बात है। कोरोना है और सतर्कता बरतना बहुत ही जरूरी है। क्या नाम है? पर कोई जिम्मेवारी है, कौन जिम्मा देगा इसका? अब जा रहे हैं, अब घर पर परिवार है, यहाँ पर करेंगे, थोड़ी रहेंगे, यहाँ फंस जाएंगे। इसीलिए छोटे सिस्टम है, कोरोना का सिस्टम से हम लोग बहुत दूर हो रहे हैं। सवारी भी लगन के सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, जो जरूरत पड़ रहा है वही लोग जा रहे हैं, जिसके घर में 10 जरूरत है 2 आदमी जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के कारण से सरकारी सब नहीं जा रहा है। अभी हमारे यहाँ सीट खुली है 10:24 दे सकते हैं, मेरा गाड़ी 6:30 बजे खुलने वाली है, अभी 10:00 मेरे पास सीट वाला संपूर्ण लग रहा है। जो स्थिति देखे 3,10,000 आज भी देखे से पूरा भारत में से इस स्थिति से देखकर हम लोग लग रहा है 2-4-5 दिन ऐसा रहेगा तो मोदी जी को स्वयं लॉकडाउन में लगाना पड़ेगा 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। आर नोते मीर शर्मा खन जहाँ जे नवा जगत जगत रे पसनाव कर कोरोना आजार दीते जहाँ तीन के स्कूल टीचर, डांस टीचर, ड्राइंग टीचर मिला हुआ उनको जीवन जेल का चला करना तीनों असुविधा रे मिला हुआ आपको चिकाते नवा लॉकडाउन रे को तह दड़िया करना होना खातिर मिट्टी स्पेशल रिपोर्ट बनाओ का है अले प्रसन्नजीत और आशुतोष देलाबनेला उनकी ना रिपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी से आज के दिन में जूझ रहा है। कोरोना जो है कई लोगों के जीवन में विभिन्न तरह के जो है अलग अलग प्रभाव डाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर माना जाए तो किसी में पड़ा है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षक लोगों के ऊपर पड़ा है। हमारे बीच कुछ शिक्षक उपस्थित हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन एक वर्षों में के जो कोरोना काल से भारत में जो प्रभाव पड़ा है इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ा है। हाँ बताइए। नमस्कार, मैं हरी भालुआ सारी यूनिवर्सिटी, ये मेरी वाइफ कंचन, जो मेरी वाइफ एक्चुअल में ड्राइंग एंड डांस टीचर भी है और मैं खुद ड्राइंग टीचर हूँ और नेशनल अवार्डेड हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिलहाल मेरा यहाँ पर डांस क्लास एंड ड्राइंग क्लास वगैरह जो चलता है वो पिछले साल भरों से मार्च से ही हम क्लोज कर दिए थे अपना ड्राइंग क्लास एंड डांस क्लास कोरोना के चलते।
ताकि क्योंकि बच्चे हुए तो बच्चों को सावधानी बरतते हुए हम लोग क्या किए, क्लोज कर दिए थे। फिर कोई साल भर हम लोग ऐसे स्ट्रगल किए, जैसा तैसा गुजारा करके चले। जो सेविंग्स था हम लोग का, एक्चुअल में जो सेविंग्स किए हुए थे उससे हम लोग का कुछ कुछ अपना गुजारा करते हैं, अभी भी चले रहे हैं, वैसे कुछ कुछ सेव करते हुए ही कर रहे हैं। हम लोग का तकलीफ तो है, एक्चुअल में हम इसी चीज़ से थोड़ा सा दुखी है कि इस बार हम टोटल जो है डॉक्टर्स और आपका वर्कर और आपका ये जो पुलिसमैन है वो लोग को रेफरेंस देते हैं, लेकिन इस बीच जो है टीचर्स लोग को भी रेफरेंस देना चाहिए ताकि उनका भी मनोबल थोड़ा सा बढ़े। कुछ पेरेंट ऐसा भी है हम लोग के लिए कि फी अभी तक पे ही नहीं किया है, भोजन का ऐसा भी फ़ी है कि हम लोग जमशेदपुर में मेरे को लगता है कि सबसे मामूली सा फ़ी रखे हुए हैं हम, ताकि मेरे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अटेंड कर पाए, मेरा क्लासेस में जो हर एक बच्चा अटेंड कर पाए, ताकि फ़ी थोड़ा सा कम है ताकि हर तरह का बच्चा दे पाए। अगर नहीं दिया रहता, हम मेरा बस चलता तो हम बहुत मामूली सा फीस में उसको कर देते हैं, कभी हो सके एडमिशन चार्ज नहीं ले या फी में कटौती करके हम उसका फी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, या पेरेंट को भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए टीचर्स के प्रति। और टीचर्स तो करे रहे हैं, बाकी लोग तो है ही हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। रहा बात, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से, अगर आप लोग अगर ये क्वेश्चन करते हैं मेरे को कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या है, आप गवर्नमेंट से खुश है, तो हम बोले कि बिल्कुल खुश है हम। ये गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हम लोग को खुद को सेफ रखना है, आप हम लोग को खुद को सेफ रखना है। ये अभी सिचुएशन जो आया है ये खुद को सेफ रखने के लिए आया है, हम दूसरे को डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। तेहे सीता शुक्रवार हिलत स्वच्छ सुरक्षा सप्ताह रहा जहाँ के मना बताओ के नियम में ना होना निर्णय लेते एस डी ओ सचिंद्र कुमार बड़ाई और एस डी पी ओ दिलीप फाल्गो बना हो अकीना अकीना टीम बना कर लेकिन ओडो के ना और होने जहाँ जे गाड़ा पर गीतिल कुमड़ू का देखो अखरीन या जे बांग देखो उनका तो जहाँ जे ओडो के डिक करा ओडा निर्णय के ओडो के जो मिट्टी ट्रैक्टर के हिसाब से जहाँ रे गीतिल लाते रहेगा आर नोते सरकार से खन जहाजे स्वच्छ सुरक्षा सप्ताह में ते ठुकना नोडे मुसल को जहाँ तक माहे रमजान में ते नवा अड़ी ताको बेस चांदो में ते को मेना ओना नमाज पूरे लगे तेहन मस्जिद बांगते ओड़ा रंगे को नमाज को पढ़ा गया और नवा जगत जगत रे कोरोना चबा पा में ते नवा आको ही चांदो बंगा ठेन को नेहर जोहा रहे भाजपा ने मारांगी अध्यक्ष और सांसद लक्ष्मण गिलवा कोरोना पॉजिटिव में जामकना मनते खबर जामकना ओना दीते तेहन आको ओड़ा होड़ी सनम होड़ को चेक कित कोआ ओने तुरुई होड़ आरमो कोरोना पॉजिटिव मनते टेस्ट रे हेज अकना नवा कथा चक्रधर अनुमंडल अस्पताल रे चिकित्सक डॉक्टर आर एन सोरेन नवा कथा ले गुट किया। हमारे यहाँ कल पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा जी आए थे, अपना तबीयत को ख़राब लेके थोड़ा सा उनको सांस में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोग अपने स्तर से उनका ट्रूनट टेस्ट कराए और ट्रूनट टेस्ट में जो है पॉजिटिव पाया गया, तो उनको बेहतर इलाज के लिए हम लोग हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहे, तो वो अपने स्तर से जो है टाटा मोटर्स में जाके कल एडमिट हो चुके हैं। तो उनका पॉजिटिव होने के नाते उनका घर का जो लोग थे उन लोग का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का था, तो उन लोग का भी सैंपल लिया गया और उसमें भी 6 लोग पॉजिटिव निकले। का सरायकेला जिला रे राजनगर ब्लॉक रे मिना टांगरजोड़ा अतुरे होड़ मिमिट ठोक दाल देखो आटो टमोगो कना टांगरजोड़ा अतुरे मिट साय बारिसी गेल ओड़ा मिना और ओडे मोटा मोटी 950 होड़ को ताहेना ओना पूरा अतुरे चापाकल मिला मेन खान मोड़े घोटा तो जेते खराब किया। ये कि हम लोग का तल जो नल है ये वाला नल जी, इसमें हम लोग नीचे वाला टोला में आदमी है 40 परिवार हम लोग यहाँ पानी पीते हैं जी, तो यहाँ का पानी अभी फिलहाल बहुत कम आ रहा है। जल मीनार लगा के हम लोग को 2 साल हो गया, तो इसमें बोला गया कि हमारा ये नलकूप जो है हम लोग दोबारा इसको डीप करके थोड़ा रिपेयरिंग करके कर देने से हम लोग का पानी का दिक्कत नहीं होता। अभी फिलहाल जो हम लोग पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, रात 12 बजे 2 बजे से हम लोग यहाँ लाइन लगा रहते हैं और उसके बाद पानी ले जाते हैं और वो पीते हैं। अभी फिलहाल एक चापाकल अच्छा है हम लोग का, वहीं से हम लोग को थोड़ा बहुत मिलता है,
लेकिन वहाँ जाने से तो वहाँ परिवार 150 परिवार एक चापाकल में पानी पीने में तो दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ इधर जो नीचे टोला का हम लोग का आदमी है तो हम लोग तालाब में अभी पानी पी रहे हैं। मायन खान तेहन लगे तो इनका के गापा गोटा दिन खबर होकर एम न्यूज 24 आप एक समांग सेटर है जो है।